हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्तिस पैराडाइज। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मुझे तो देख ही रहे हैं, मैं ठीक हूँ। आप लोगों के अच्छा सा ब्लॉग आज दी हूँ और देखिएगा। और एक बात मैं बोल रही हूँ कि हाँ, मेरे और दो चैनल है, ओडिया ब्लॉगर दीप्ति एंड दीप्तिस डोडो, तो दोनों को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए। अपना फ्रेंड और रिलेटिव के साथ इसको शेयर करके बोलिए कि अच्छा मेरे बारे में कुछ बोल दीजिए, तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। और व्हाट्सएप फेसबुक में भी इसको शेयर कीजिए। और आइएगा, देखिए हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है। आज पेडिक्योर और थोड़े टिप्स दी हूँ, देखिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे बगीचा के नज़ारे के साथ देखिए आज ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। और देखिए यहाँ पूरी और सब्जी भी हो गया है, आलू की सब्जी बनाई हूँ। देखिए अभी हम गोभी मंचूरियन कर रहे हैं, तो यहाँ गोभी थोड़ा पानी में बॉईल किया कर रहे हैं, तो थोड़ा सॉल्ट डाले हैं पानी में। 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, फिर छान के एक प्लेट में रख लेंगे। फिर देखिए जो बॉईल किए हुए गोभी को मैं यहाँ, ये हुआ कॉर्न स्टार्च, कॉर्न और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैदा का पाउडर देकर अभी फ्राई कर लूँगी। और क्या क्या ज़रूरत होगा देखिए, पेपर पाउडर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, केचप, टोमेटो केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा स्टार्च, कॉर्न स्टार्च यूज़ करेंगे। फिर देखिए अभी मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ, तो घोल ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। कॉर्न, मैदा और थोड़ा सा सॉल्ट डालकर मैं फ्राई कर ली हूँ। अभी देखिए गैस पर पैन चढ़ाई हूँ, उसमें हम ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून लेंगे। फिर उसके बाद उसमें लहसुन, जो गार्लिक छोटे छोटे पीस में कट किए थे वो ऐड करेंगे। फिर ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ग्रीन चिली को आप छोटे छोटे करके कट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे खाएंगे तो मैं यहाँ बड़े ही ऐड की हूँ। और प्याज ऐड कर रही हूँ, देखिए प्याज थोड़ा भून जाने के बाद सोया सॉस ऐड की। फिर ये हुआ चिली सॉस, फिर टोमाटो केचप और उसके बाद पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे। ये अजीनोमोटो 2 टीस्पून। अभी ये पेपर पाउडर ऐड की हूँ मैं। फिर उसके बाद थोड़ा भून लेंगे, उसके बाद 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड कर देंगे उसमें। फिर कॉर्न स्टार्च 3 से 4 चम्मच दे देंगे, तो थोड़ा घोल मोटा हो जाए, ग्रेवी थोड़ा थिक बन जाए। देखिए ग्रेवी हमारा थिक बन गया है। उसके बाद हम कॉलीफ्लावर ऐड कर दिए हैं जो फ्राई करके रखे थे गोभी, तो हो गया हमारा गोभी मंचूरियन। आज हाउस हेल्पर नहीं आए हैं, तो घर भी झाड़ू लगाया और ये किचन का काम खत्म हो गया है। लंच भी मैं बनाई हूँ और बच्चों का भी ब्रेकफास्ट दे दी हूँ। तो ये सब होने के बाद ये सब साफ कर रही हूँ, तो अभी दिन 11 बज रहा है, तो ये सब क्लीन करके जाके मैं नहाऊंगी, तो ये सब ये किचन काउंटर भी क्लीन कर देंगे। पहले से थोड़ा मैं बीम लिक्विड और पानी देकर भिगो के रखी थी, अभी स्टील डाल रही हूँ, तो ये जहाँ जम गया था थोड़े जल जल के ब्लैक सा होकर रह जाता है, कार्बन जैसा, तो उसको मैं अभी क्लीन की हूँ। फिर सब किचन काउंटर क्लीन कर दूंगी। और ये विनेगर में जो क्या बोलते हैं बर्नर्स, इसको भिगो के रखी हो, देखिए मैं थोड़े देर के देख पा रहे हैं ना, बर्नर्स को भिगो के रखी हूँ विनेगर में। तो ये जो ब्रास के चीज़ें होते हैं अगेन वो चकचक करेगा, जैसे ही ब्रास दिखता है वैसे ही करेगा। मैं धोकर दिखाऊंगी इसको। मैं नमक और खाने का सोडा जो रहता है बेकिंग पाउडर, उसमें उसको वॉश करूँगी। गंदा जम जम के क्या होता है, यहाँ थोड़े नॉट्स है टाइट करने के लिए, वो भी रस्ट हो जाता है। थोड़े दिन के बाद वहाँ जो बर्नर का नज़दीक एरिया रस्ट होकर टूट जाता है, तो फिर आपको ये पूरा चूल्हा चेंज करना पड़ता है।
ये सब मैं हाउस हेल्पर को दे नहीं देती ये क्लीन करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता उनके हाथों से कुछ खराब हो जाएगा तो फिर नुकसान हमारा ही होता है। बहुत सारे चीजें मैं कर लेती हूँ, मुझे इतना काम का जो मुझे अच्छा नहीं लगता कोई करे तो मुझे क्यों उनका जो कमियां निकालनी है, मैं अपने हाथ से करूंगी। मुझे तो परफेक्शन चाहिए होता है और दूसरों से मैं उम्मीद भी नहीं रखती। इस तरह जो स्ट्रांग काम रहते हैं वो मैं अपने हाथों से ही करती हूँ और मुझे करना भी अच्छा लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है। घर में आप काम में बिजी रहते हैं तो आपका जो बोर होता है ना पल, वो बोरिंग पल भी नहीं रहेगा। किचन क्लीन हो गया, टाइल्स में साफ कर दी हूँ, ये भी धोकर यहाँ रख दी हूँ, ये अच्छा लगता है देखने में। ये भी पूरा क्लीन की हूँ और ये ऑयल का जो जगह ये भी निकाल के साफ कर दी हूँ, ये धोकर रख दी हूँ। यहाँ पर मैं लाइटर और चिमटा रखती हूँ तो ये भी क्लीन हो गया। अभी जो विनेगर में भिगोए थे बर्नर्स उसको धोकर निकालेंगे। और देखिए इस तरफ कैसा मैं सजाई हूँ, पूरा किचन क्लीन हो गया आज, देख पा रहे। वो ग्राइंडर भी साफ कर दी हूँ और ये जो सामान मैंने रखी हूँ वो भी निकाल निकाल के धोकर रखी हूँ। और अभी हम धोएंगे बर्तन, आप लोग देखिए। अच्छा, और एक बात, बर्तन जब हम धोते हैं तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर धोने से नीचे गिरता है पानी तो मैं यहाँ बर्तन के लिए एक स्पॉन्ज वाइट रखी हूँ। जो बर्तन होते हैं बड़ा भारी भारी सा चीजें जिससे, तो इसको मैं यहाँ इसके ऊपर ही रख के ऐसे धोती हूँ। नहीं तो कपड़ा भी आप लोग डाल के भी धो सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ये क्या होता है, ये खराब नहीं होता है, ये काउंटर जो टाइल खराब नहीं होता। मेरा तो गर्मेट डाला गया है गैलेक्सी का, ब्लैक गैलेक्सी। ऐसे तो मैं सब मांज लूंगी फिर आपसे मिलती हूँ। डोडो को अभी नहलाना है, डोडो का भी वीडियो आज शूट करना है, बहुत दिन हो गया डोडो का वीडियो भी नहीं गई हूँ। अभी देखिए ये अभी धोने के बाद, ये धोने से पहले कैसा है, अच्छा लगा ना? तो ये ट्रिक आप भी अप्लाई कीजिए। तो अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बोलनी थी आपसे, तो आपका जो डे स्टार्ट होता है दिन में तो आपका जो बिजी शेड्यूल रहता है उसमें से आप थोड़ा सा टाइम अपने के लिए निकालिए और न्यूज़ के साथ अपडेट रहिए। आज न्यूज़ में देख रही थी तो जो कोरोना वायरस आ गया है चाइना से, तो उसका सिम्टम्स रहता है कि आपको रनिंग नोज रहेगा, ठंडा, सर्दी, बुखार, फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, उसके बाद बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है हेल्थ की। तो अपना ख्याल रखें, बच्चों को मास्क के साथ स्कूल भेजें, अपने घर का भी केयर करें और न्यूज़ देखते रहिए। अपडेट होता है न्यूज़ जो देखने पर क्या होता है, थोड़े जो प्रॉब्लम हमको आता है, जो खतरा आता है, जो नौबत आता है, जो विपद बोलते हैं वो हम टाल सकते हैं। तो और एक हमारे ओडिशा में अभी बर्ड फ्लू चल रहा है, जो कोई मुझे देख रहे हैं मैं बोल रही हूँ कि वो चिकन भी आप मत खाइए। ओडिशा गवर्नमेंट अभी चिकन को मारने का अभियान शुरू किए हैं, तो जहाँ जहाँ भी चिकन स्टक रखा गया है, जो ब्रॉयलर हैन रहते हैं उनको सब मारकर मिट्टी के नीचे दफना देंगे तो वायरस ज़्यादा ना फैले। तो
तो इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आपको कोरोना वायरस के बारे में तो मैं बोली हूँ, हुआ तो डॉक्टर के पास नज़दीक जो मेडिकल है वहाँ दिखाइए। अभी गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रिकॉशन प्रोवाइड किए हैं, तो आप सुरक्षित रहें, अपना परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, केयर करें, हाइजीन मेंटेन करें, बच्चों को भी मास्क के साथ घर जो बाहर भेजिए, और घर का जो भी इंसान आपके साथ रहते हैं उनका प्रॉपर केयर लीजिए, अपना भी केयर लीजिए। तो माँ भगवान आप लोगों को सब अच्छे रखे, यही मुझे बोलना था जो कोरोना वायरस के बारे में। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मशीन के अंदर अभी कपड़े धुल के रेडी है, थोड़े निकालेंगे, इस बार जो धुले हैं वो निकाल कर लेकर जाके सुखा दूंगी, फिर इतने सारे कपड़े हैं, दो बार करके आज कपड़े धोएंगे और सुखाएंगे। काम तो चालू है, अभी हो गया 12 बज गया है, अभी जाकर ये कपड़े सुखा के आकर थोड़ा कुछ खा लूँगे, बहुत भूख लग रही है। सब रूम क्लीन की थी लेकिन ये ड्राइंग रूम को छोड़ दी थी, क्योंकि मैं आज सुबह जो जब डस्टिंग कर रही थी, एक कांच का 100 पीस था वो गिर गया, वो गिरने के बाद टूट गया, तो उसको निकालने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद अभी कर रही हूँ, तो फिर थोड़ा संभल कर भी करना चाहिए, तो हो गया तो क्या करेंगे, टूट गया, इतना छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर प्यारा सा। दो लड़का और लड़की वो ग्लास के अंदर थे, और जैसे बॉल होता है ना, बॉल जैसा बॉल, तो उसके अंदर पानी या कुछ लिक्विड था, तो वो गिर गया, टूट गया। दोस्तों अभी मैं पेडिक्योर करने जा रही हूँ, और मेरा पैर थोड़ा टेन हो गया है, देख पा रहे हैं। तो पहले मैंने नेल पॉलिश को रिमूवर से निकाल दिया, आराम से उसको साफ कर दिया, देखिए। उसके बाद देखिए अभी यहाँ मैं साबुन ली हूँ, क्योंकि मेरा हील थोड़ा फट गया है, तो उसको भी थोड़ा स्क्रब करेंगे, निकालेंगे इसमें डेड सेल, तो साबुन भी मुझे यूज होगा। लेकिन साबुन आप लोग यदि आपकी जो हील है अच्छा है, प्लेन है, तो साबुन मत लीजिएगा। तो एक लेमन, थोड़ा बेकिंग पाउडर, फिर एक पीमिक स्टोन, और मैं मेरे पास ये भी है, ये भी डेड सेल निकालने के लिए अच्छा रहता है, एक टॉवल की ज़रूरत होगी। तो फिर यहाँ देखिए थोड़ा गुनगुना सा पानी, थोड़ा ही गर्म है, इतना लुकवर्म नहीं है लेकिन गर्म है थोड़ा। तो उसमें अभी हम डालेंगे लेमन, टू टेबल स्पून सॉल्ट, देख पा रहे इतना, टू टेबल स्पून बेकिंग सोडा, यदि आप पैर में बिच्छू पहने हैं तो उसको भी निकाल दीजिए, इस तरह भिगो के 10 मिनट रखिए। फिर हमें एट लास्ट वैसलीन की ज़रूरत होगी, थिक क्रीम के लिए, ऑयल जैसा रहेगा। और ये हुआ कॉर्ड, आप देख पा रहे हैं कॉर्ड भी यूज करेंगे बीच में, तो पहले मैं नहीं दिखाई थी, तो अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सब चीज़ें यूज होगा, देख पा रहे हैं। ये सब लेकर मैं बैठी हूँ, यहाँ पैर भी भिगोई हूँ। तो इस तरह हम करेंगे, आप महीने में एक बार भी कर सकते हैं, मैं हफ्ते में एक बार कर देती हूँ, ये ऐसे ही घर में तो बैठी रहती हूँ, तो कभी कभी मन हो जाता है कर लेती हूँ। अभी देख रहे हैं थोड़ा मैं साबुन यहाँ डाल रही हूँ, हील थोड़ा क्रैक हुआ है। अभी देखिए मेरे पास एक डेड सेल निकालने के लिए एक फाइल भी है, एक तरफ मोटा सा और एक तरफ थोड़ा पतला सा फाइल होगा, तो अभी डेड सेल मैं हील से निकाल देती हूँ, उसके बाद क्या क्या कर रही हूँ आप देखते रहिएगा। ये मैं पूरा मेरे पैर को फाइल कर दी हूँ, मेरे टोज में जो नाखून है थोड़ा ख़राब हो गया, मैं वॉकिंग गई थी तो वो शूज के अंदर वो ऐसे पेन हो रहा था, फिर उसके बाद ऐसा हुआ है, तो मैं नाखून अभी कट कर रही हूँ, दोनों ये पूरा कट करके रखी हूँ, इसको अभी कट करेंगे, देखेंगे
अभी मैं घर में नहीं कर पाऊँगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और अभी देखिए यहाँ हम लगाएंगे बेकिंग सोडा और लेमन का पेस्ट बना रहे हैं। अभी देखिए ये लेमन का जूस निकाल रहे हैं, इसमें बेकिंग पाउडर स्क्रब करेंगे 2 स्पून करीब। ये हो गया, एक टूथब्रश लेकर आएंगे, इसको अप्लाई कर देंगे और अच्छी तरह ब्रश कर लेंगे हमारा फिट को। इस तरह हम लगा लेंगे चारों तरफ वेयर। देखिए अप्लाई करके मैं 5 मिनट छोड़ दी हूँ, उसके बाद इसको स्क्रब करेंगे। आप हाथ में भी ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, ब्रश में भी अच्छा रहता है, नहीं तो ये इसमें ये और अच्छा रहता है। पीमिक स्टोन इसमें भी रब कर सकते हैं, लेकिन जेंटली करेंगे नहीं तो फट हो जाएगा। फिर हम पैर को क्लीन वाटर से धो लेंगे, उसके बाद अभी हम कॉर्ड अप्लाई करेंगे। हम दही अप्लाई कर रहे हैं दोनों पैर में भी करेंगे, थिक कर लीजिएगा। और दही तो हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा कर देता है, आप ये ऊपर तक भी कर सकते हैं, मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा तो मैं सिर्फ मेरे पैर को ही कर रही हूँ। अच्छी तरह लगा लीजिए, देखिए अभी कितना साफ हो गया, क्लीन लग रहा है। अभी हम वैसलीन अप्लाई करेंगे, देखिए ये देखिए पूरा क्लीन हो गया। आ जाएंगे और स्वयं के लिए हम मंचूरियन बनाएंगे, गोभी मंचूरियन। सुबह हमारा बेटी भी लेकर गए थे, लेकिन अब वो थोड़ा रखने से क्या होता है नरम पड़ जाता है, तो मैं 2 बार करके कर रही हूँ, सुबह भी बेटी को दी हूँ, अभी स्वयं के लिए बना देंगे। अभी मेरा यहीं तक ही था जर्नी, ये ब्लॉग ख़त्म हो गया है। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और ये अपना फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी शेयर कर दीजिए। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिएगा। मैं तो डेली आ रही हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए, मैं आपके लिए ही हाजिर होती हूँ, तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। और यहाँ रहती हूँ, कल एक नया और शानदार वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक मुझे इजाज़त दे दीजिए। फिर आपका कमेंट का बेसब्री से मैं इंतज़ार करूँगी, तो कमेंट करिएगा। और यहीं रह रही हूँ और कल मिलूंगी एक नया वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग। नमस्कार, जय जगन्नाथ, टेक केयर, बाय बाय।